Hey guys, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। दुनिया के चुनाव जब आ रहे हैं तो बहुत सारी बातें आगे चलकर आ रही है, खुद ब खुद लोग आगे आ रहे हैं। हम दुनिया शहर में घूम रहे हैं तो लोग खुद से अपनी मत को रखने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कुणाल वंजारी। कुणाल वंजारी जी हैं यहाँ पर और इनसे बातचीत करते हैं कि मत चुनाव और धुलिया के विषय में इनको क्या कहना है। क्या कहना है सर आपको धुलिया चुनाव के बारे में? सर जी, धुलिया के 2018 के जो चुनाव आए महापालिका के, महापालिका का काम होता है कि रास्ता, पानी, गटर, ये जो चीजें वही करनी चाहिए। पर यहाँ जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति में युवकों को बोला जा रहा है कि तुमको हम अच्छे रोजगार देंगे, तुमको अच्छी तरह से दो पैसे मिलेंगे ऐसे, पर ये जो सारी झूठी बातें बोली जा रही है, सारी बकवास युवकों को फंसाया जा रहा है। अगले 5 साल के लिए युवक इसमें भरकटते जा रहे हैं, युवकों को एक नई दिशा, घर पे युवकों के माँ बाप रो रहे हैं, युवकों को एक दिशा नहीं है, एक नया कोई प्रोजेक्ट नहीं है। पालिका का जो प्रोजेक्ट है, जो पालिका के दायरे से जो रोजगार मिलेगा वो नहीं है। जो तरुण युवा जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए पालिका के जो स्कूल है, जो म्यूनिसिपल स्कूल है, वो म्यूनिसिपल स्कूलों की जो हाल देखी जाएगी तो एक वहाँ पे कुत्ते बैठ के वहाँ पे गंदगी करते हैं। एक ही बच्चा जाता नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मुंबई पुणे में जो टैबलेट बांटे जा रहे युवकों को, आने वाली पीढ़ी युवकों के वहाँ पे बनने वाली है, पर यहाँ की जो दुनिया की पीढ़ी है, दो नंबर के सट्टा धंधा जुगार, ये जो दो नंबर के धंधे उसमें जा रही है। और लोग उनको दो कपड़े अभी चुनाव में पहनने के लिए पैसे दे रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए, और उनको घुमा रहे हैं। वहाँ आज एक महीना घुमाएंगे, अगले 5 साल तक उनको ऐसे घुमाते रहेंगे। और वो जो युवक है, वो युवक भरकटते और उनके माँ बाप जो है अगले 5 साल तक रोते रहेंगे, और वो युवक भी उनको गालियां देते रहेंगे, इन्होंने मेरे को फुकट घुमाया और हमारा नुकसान कराया। तो आपको क्या लगता है, क्या कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपके लिए अच्छा काम करेगी? हमारे लिए जो है अभी फिलहाल में जो शिवसेना और जो बीजेपी में, जो और बीजेपी में दो गट गिर गए, अनिल गोटे जो बोल रहे गुंडा राज नहीं आना चाहिए, हालांकि अनिल गोटे एक सही बात कर रहे कि गुंडा राज नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुंडा राज आएगा तो माँ बहन बेटियां जो है रास्ते पे नहीं घूम सकती, और बिहार यूपी होने के लिए अपने दुलिया को कोई टाइम नहीं रहेगा। जो गुंडा है यहाँ पे, जो दो नंबर के धंधे दम दाटी, अभी रिकॉर्डिंग का जो आ रहे है किससे, इतने रिकॉर्डिंग का गलत सलत आ रहे कि माँ बहनों पे जो बड़े बड़े लोग है वो इतनी गलत बोल रहे, अरे हमारा यहाँ का एमपी सुरक्षित नहीं है, तो हमारी जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगी, हमारे युवक कहाँ से सुरक्षित रहेंगे, हमारी माँ बहनें कैसे क्या सुरक्षित रहेंगी। ये सब पैसे बांट के बिकत लेने का, जहाँ जहाँ चुनाव आते बड़े बड़े मंत्री, अरे ड वर्ग महापालिका है यहाँ पे कुछ ही पैसा नहीं मिलता है, फिर भी यहाँ से बोल रहे थे कि 300 कोटी और 200 कोटी मतलब क्या, 1-2 रुपए है क्या, एक वो आ जाएंगे ऐसे, वो भूलता आपको यहाँ की जनता बलि पड़ने वाली नहीं है, और यहाँ की जनता हुशियार है, जो काम करने वाला इंसान है उसके पीछे रहेगी, जो काम आधी रात को ब्लड लगेगा यहाँ पे, जो माँ बहनों की बीमारी है वो जो अस्पताल में लेके जाने के लिए जो तरुण लगेंगे, वो कार्यकर्ता लगेंगे, उनके पीछे यहाँ की जनता रहेगी। इनका कुल मिला के ये कहना है कि जो विकास करेगा, जो सच्चा विकास करेगा, जनता उनके साथ रहेगी, और ये होना भी चाहिए। जो भी नेता हैं, जो लोग समाज सेवा के लिए आते हैं, आजकल नेतागिरी करना पैसा कमाने का धंधा हो गया है ऐसा लोग बोला करते हैं, तो ये जो चीजें हैं इसको बंद होनी चाहिए, और जो विशेष समाज में काम करता है सिर्फ और सिर्फ जनता उसके साथ ही रहेगी। देखना है आगे आने वाले चुनाव के बाद आखिर दुनिया में क्या होगा। ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।